अपने घर पे हम वो खाना बनाते हैं जिसकी कहानी हमें पता होती है। फॉर इंस्टेंस, मेरे घर पे सत्तू का पराठा बनना बहुत आम बात है। हर स्टेट की अपनी स्टोरी होती है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, गाइज, आप लोग मारवाड़ी खाने के बारे में क्या जानते हैं? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज हम जिस रसोई का खाना चखने आए हैं, देयर अ पर्सन हैज पुट द स्टोरी ऑफ हर लाइफ एंड द स्टोरी ऑफ हर कल्चर ऑन अ प्लेटर। लेट्स गो मीट अ वुमन दिस टीचर्स डे हुज सेटिंग अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर हर डॉटर एंड फॉर अस बाय टीचिंग एवरीवन अराउंड हर अबाउट ट्रेडिशनल मारवाड़ी क्यूजीन। तो चलिए उनसे मिलते हैं। आज बहुत लेट हो गए हैं गाइस, शिट। हाय हाय, ओह माय गॉड, सच अ प्रीटी हाउस। थैंक यू। कम नेहा, आई शो यू माय मारवाड़ी खाना किचन। परफेक्ट। आई टीच यू हाउ आई मेक दाल बाटी चूरमा। And I am very excited to learn. Let's do this. Yeah, come. मेरा नाम अभिलाषा जैन है। मैं एक होम शेफ हूँ और कुकिंग मेरा पैशन है। सो आई लव टू कुक। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन राजस्थान फ्रॉम अ स्मॉल टाउन नोन एज भिलवाड़ा। सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद चूरमा। दिस इज घी। विदाउट घी यू कैन मेक चूरमा। सो आई आस्क माई टीम मेंबर टू नीड इट। राम, एक बार आटा लगा लो। आ तो बहुत सारा खाना बनने वाला है आज, एंड आप देख सकते हैं अभिलाषा हैज अ टीम अभी फिलहाल हमारे लिए बहुत अमेजिंग खाना बनाने के लिए। एंड आर दे वेयरिंग लाइक योर टी-शर्ट्स? या, दे वेयरिंग मारवाड़ी खाना टी-शर्ट्स। दे हैव मारवाड़ी खाना टी-शर्ट्स गाइस। दिस इज ऑसम। I had interest for cooking from the beginning only. So whenever I used to come back from hostel for holidays and all, so I used to ask my mother that chop the vegetables, मैं छोकूंगी, सब्जी आके मैं छोकूंगी. So it, you know, it started from there. मैं अपने audience को दिखा सकती हूँ ये बने? Yeah, sure. Okay guys, देखिए हमारा रोट तैयार हो गया है एंड जैसे अभिलाषा ने बनाया अभी we going to bake it. जब तक ये बेक हो रही है हम लोग गट्टे का आटा लगा लेते हैं, है ना? ठीक है, आपको सिखाइए। माय फादर इज अ सेल्फ मेड पर्सन एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम। आई मीन द वे ही वर्क्स हार्ड, यू नो, यू कैन कॉल हिम अ पक्का बिजनेसमैन आल्सो। एंड आई वाज द एल्डेस्ट इन द फैमिली, सो मुझे हमेशा एक्स्ट्रा लव मिला है। एट टाइम्स आई वाज ऑलवेज ट्रीटेड लाइक अ सन। Until now, my father takes maximum decisions asking me. So this is besan. Mm-hmm. Okay. तो ये गट्टे की सब्जी के लिए? Yes, this is for गट्टे की सब्जी. So I'll be adding. माई हस्बैंड इज़ इनटू आईटी, तो हम लोग काफ़ी नई नई जगह शिफ्ट होते रहे। जब गुड़गांव शिफ्ट हुई तो मेरी डॉटर 7-8 ईयर्स की हो चुकी थी एंड मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम मिलने लगा और उसी टाइम ये इंटरनेट काफ़ी एक्टिव हुआ। दिस फेसबुक स्टार्टेड एंड आई यूज़ टू सी वुमेन डूइंग सो मच। कभी कोई मठरी बना के बेच रही है, कोई नींबू का अचार बेच रही है। तो 4 साल पहले अचानक मैंने एक पेज बनाया एंड मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है बबीता चौधरी, तो हम दोनों साथ में बैठे हुए थे एंड वो भी राजस्थान से। मैंने कहा क्यों नहीं हम दाल बाटी चूरमा स्टार्ट करें। ये दाल रख रखी है नेहा मैंने। हम लोग जनरली मिक्स करके रखते हैं दाल को, सो दैट जब भी बनानी हो इसमें से निकाल के भिगो देते हैं, व्हिच विल बी इजीियर। बट या, इट्स इजीियर। कौन कौन सी दाल है इसके अंदर? कैन यू लाइक शो अस? या, श्योर। Oh my God, so guys, ये है मिक्स दाल जो अभी बनेगी। This is green is मूंग छिलका। मूंग छिलका, yes. Okay, तो मूंग छिलका, मूंग नॉर्मल, चना दाल एंड ब्लैक उड़द दाल एंड वी आर गोइंग टू पुट इट बैक। या, सो आई एम गोइंग टू जस्ट टेक इट आउट उसको भिगोने के लिए, राइट? हाँ। लेट्स मेक गट्टास नाउ नेहा। हाँ ठीक है। सो दाल भीग रही है, ये हमने गट्टे का आटा लगाया था, राइट? हाँ। अब हम इसको गट्टे बेलेंगे।
यू वुड ट्राई, करो ट्राई। मैं अच्छा आप मेरे को सिखाओ। तो फिर आपने ऐसे रखा, फिर इसको रोल करो। ये मैं बना पा रही हूँ बहुत ही परफेक्टली, है ना? Yes, you are doing it perfect, very good. Am I hired? No, I teach very well. Yeah, that's also true. That's the actually true. Teachers Day भी है and आप तो हमारे best teacher निकले अभी तक. Thank you so much for teaching me. अनजाने को जाना कर तू कुछ ऐसा कर. हमने पेज पे पोस्ट कर दिया कि इस संडे दाल बाटी चूरमा विल बी अवेलेबल. वी गॉट 8 to 10 ऑर्डर्स दैट वीकेंड. और हमने बोला, फिर हमें लगा कि अब हम डिलीवरी कैसे करेंगे. हम तब हमें टेंशन स्टार्ट हुआ जब हमें ऑर्डर्स आ गए. बट या हम लोग आराम से मैनेज कर पाए. एंड उसके बाद ओनली द फीडबैक्स वर्क्ड. जिन्होंने भी हमारा खाना खाया वो 10 जनों को बोलते थे. सो दिस वे मारवाड़ी खाना केम अप. ये रोड सिक चुका है अब हमारा, ठीक है? अब हम इसको कूटेंगे. ये काम मैं कर सकती हूँ, पता आपको? ट्राई करो. अब डर लग रहा है. कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी. बहुत भारी है ये. बहुत भारी है. आप पता नहीं कैसे कर रहे थे. आई हैव नो आइडिया. चलिए अब इसको इतना कूटने के बाद हम लोग इसमें छानते हैं. सुबह की किरणें लाई वाई मारवाड़ी खाना. दो मतलब आपने बताया कि बचपन से आप राजस्थानी फूड का एक फोटो हो जाता है कि मेरी दादी को देखा, मेरी मम्मी को देखा, मेरी चाची तो मैं उनको देखती थी. धीरे 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 आई स्टार्टेड कुकिंग. सो जब मुझे लगा कि मेरे को उसी पे काफ़ी होल्ड है तो वाई टू डू समथिंग एल्स. गाइस आई होप आप ये सब नोट कर रहे हैं बिकॉज दिस इज योर मास्टर शेफ क्लास ऑफ द रसोई प्रोजेक्ट. ओके गाइज, बहुत सारा काम हो रहा है अभी यहाँ पे. एंड आई थिंक मैं तो बहुत कन्फ्यूज हूँ. दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्जी बननी है. यहाँ पे दाल चढ़ चुकी है, गट्टे उबल रहे, बाकी अभिलाषा में बताएंगे और क्या क्या बचा है. बस अब हम गट्टे बनाएंगे, ठीक है? एंड और क्या क्या बचा है अभिलाषा हमारे पीछे? अभी बाटी बन रही है जिसको हमें बेक करने के लिए रखना है. दाल चढ़ा दिए तो हम दाल छौकेंगे उसके बाद और गट्टे छौकेंगे. कैमरे को है बोली हाय. एंड जिया आपका फेवरेट खाना कौन कौन सा? दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्जी. एंड यू लाइक बिकानेरी पराठा? हां, सारा चीजें मम्मा बनाती है. मतलब यू आर अ गुड डॉटर एंड यू हैव अ ग्रेट मॉम. एंड आपको आता है खाना बनाना? नहीं, चाय बनानी आती है. मैगी बनानी भी आती होगी? हां, आई हैव टू लर्न. यस सर. How do people order this? Generally they give me a call or WhatsApp me. It works that way only. I mean, I obviously आपको लग रहा है इतना time लगता है इसको बनाने के लिए, तो मुझे एक दिन का advance notice चाहिए होता है for any order. So one a day before they call me for this that we want to order food. And minimum 5 लोगों का order होता है, then I take it. Maximum कितने लोगों का order आप लेते हैं? So I have done till अभी तक 150 लोग. 150 लोगों के लिए दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी? यस यस. ओह माय गॉड. व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? होता है ना शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है. हाँ, चैलेंजेस थे काफ़ी इन द बिगिनिंग. सबसे पहले मैं जो मेरे पापा हैं वो उनको लगा कि क्यों कर रही हूँ. कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन सो ही थॉट आई हैव सम प्रॉब्लम एंड ही कॉल्ड मी. ही वाज लाइक क्यों करना है तुम्हें, अपने मस्त रहो, खुश रहो एंड ऑल दोस थिंग्स. बट देन आई सेड नो, आई वॉन्ट टू डू इट पापा, मुझे करने दो. बट ही डिड नॉट टॉक टू मी फॉर सम टाइम. बट आशीष माई हस्बैंड वॉज यू नो ही वॉज लाइक तुम्हें करना है तो तुम करो, आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू. सो दैट वॉज अ बिग सपोर्ट फॉर मी. सो नाउ फॉर दाल अगेन, एनीथिंग विदाउट घी इज नॉट पॉसिबल. Abhilasha, I was wondering what's the combination of dal, bati, churma, sab different cheeses. See, if you know, Rajasthan is a, you know, you don't have greens as such. वहाँ पे greenery नहीं है, so you don't find green vegetables too much there. So dal bati is that combination
in which you don't need any green, yeah. And it is a full, you know, complete meal and satisfying meal. So dal is ready. Neha almost dal ban chuki hai and hamari churma ready ho gaya hai. Bati mein 5-7 minutes more hai. You can go and sit. I'll just plate and get it. Okay. Oh my God, guys. आप वेट करो. ठीक है. अब मैं वेट करने जा रही हूँ गाइस. हमारा लेट द पार्टी बी सरप्राइज. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सरप्राइज बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल गाइस. हमारा खाना बन चुका है एंड आई एम गोइंग टू वेट आउटसाइड. And now we are waiting for the food to come. While we do that, let me introduce you to the gems of today's episode. Hello. हमने ये भी डिस्कवर किया गाइस, बहुत ही कूल चीज़ है ये. तो जिया आप एक पढ़ो, मैं एक पढ़ती हूँ. कीप काम एंड मेक मनी लाइक अ मारवाड़ी. एक तो हम मारवाड़ी, ऊपर से सब पे भारी एंड सिटिंग विद अ बिहारी. तो परफेक्ट कोस्टर्स गाइस आज के लिए. और अब आई होप जस्ट खाना आ जाए. आपकी भूख लग रही है? बहुत. वेरी मच. वेरी मच. आपकी मम्मी ने हमारे लिए वही बनाया. ओह माय गॉड. आपको कैसा लग रहा है ये प्लेट देख के? बहुत अच्छा लग रहा है और मन कर रहा है खाने के लिए. है ना, जस्ट अब हम खाने वाले. डोंट वरी, बट आई थिंक वी कैन नॉट डू दिस विदाउट अभिलाषा. अभिलाषा प्लीज कैन यू जॉइन अस? श्योर वाइज. तो नाउ दैट अभिलाषा इज हियर एंड जिया इज हियर, ये हमारा स्टफ्ड बाटी एंड ये है हमारी रेगुलर बाटी. And अब बहुत भूख लग रही है. Can't wait. This is delicious. Smells delicious. बहुत सारा घी इसमें. Let's eat it. Come on. Let's eat it. बहुत yummy है. बहुत. Let's check out the star dishes. Stuffed bati. अब हम ट्राई करेंगे चूरमा. आपको याद है हमने चूरमा और किस एपिसोड में ट्राई किया था? हमें कमेंट्स में बताइए. तब तक हम चूरमा ट्राई करेंगे. आप लोग भी मेरे साथ चूरमा. अगर घी की वैल्यू समझ ली है तो इस खाने में बिल्कुल समझ आ रही है. दिस इज ब्रिलियंट. आई एम एक्चुअली एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स. डोंट नो हाउ टू से एनी मोर. नाउ लेट्स टेस्ट द रॉयल गट्टे की सब्जी जो हमने देखी थी बनते हुए. इट्स सो ब्यूटीफुल. आई एम गोइंग टू टेस्ट इट नाउ. आप लोग भी जानते होंगे मेरा ये देख के और मेरी तारीफें सुन के. एंड आपको भी लग रहा होगा इतना कितना अच्छा. लेकिन दिस इज ब्रिलियंट फूड गाइस. ये थाली जो इतनी ब्यूटिफुली आपके सामने सज के रखी हुई है इज कम्प्लीटली गिविंग मी अ रॉयल्टी. एंड एवरीथिंग ऑन दिस प्लेट इज डिलिशियस. केर सांगरी मैंने ट्राई नहीं करी. अभी मैं केर सांगरी ट्राई कर. मैं सब कुछ खाने जा रही हूँ गाइस. आई कैन नॉट वेट टू. अब मैं नहीं कर सकती, मेरे को खाना है. दिस इज बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी. तो चलिए विल टॉक यू आफ्टर द फूड इज डन. Today we learned so much about Marwadi cuisine. I mean, all thanks to Abhilasha. Thank you so much. आपने हमें इतना कुछ सिखाया आज. And guys, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है तो प्लीज़ हमें कॉमेंट्स में बताएं. And ये सब देख के, इतना कुछ खा के मेरे अंदर का शायर जाग गया. So शायरी for the day is, अपने जहाँ को दूसरों का जहाँ बना पाना है नहीं आसान, बट अगर हौसला हो सच्चा तो कोई खाना नहीं रहेगा कच्चा. हाउ डू लाइक प्लीज. ओके, माय ऑडियंस हेट्स माय शायरी. एनीवे, मूविंग ऑन गाइस. अगर आप अभिलाषा की कुकिंग से इंस्पायर हुए हैं एंड इफ यू लर्न समथिंग न्यू अबाउट मारवाड़ी खाना टुडे, देन प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट मोर सच ब्यूटीफुल स्टोरीज, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ऑल्सो, आपको कैसा लगा आज का एपिसोड हमें कॉमेंट्स में बताएं. एंड इफ यू वॉन्ट टू ईट मोर निहा, यू कैन कम हियर एंड एंजॉय देम. I am totally going to come back for that. Till then, signing out. I am Neha and you're watching the Rasoi Project. आज बहुत लेट हो गए हैं गाइस. सॉरी. हैप्पी बर्थडे टू मी. हेलो. बहुत कुकिंग बाकी है, हमें खाना भी है.